नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। क्या वाकई कुलधारा का नाश हो जाएगा? यह हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो दशकों से उस धारा को बचाने में लगे हुए हैं जिसे शापित कहा जाता है और जो जैसलमेर की पहचान बन गई है। जी हां, राजस्थान में कुलधारा वो जगह है जिसे दुनिया में उसके हॉन्टेड होने की वजह से जाना जाता है। लिहाजा सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जगह को बचाएं, सवारें, ऐसे सहेजें। सरकार ऐसा कर भी रही है, लेकिन मरम्मत के नाम पर कुलधारा में जो कुछ भी हो रहा है स्थानीय लोगों को ये नागवार लग रहा है। सभ्यताएं जब अतीत हो जाती हैं तो उन्हें संजोने का काम किया जाता है, क्योंकि हमारा अस्तित्व हमारी सभ्यताओं से ही तो है। कुलधारा भी एक ऐसी ही सभ्यता है और इसका अतीत, इसकी कहानियां, इसका अस्तित्व यहां के बाशिंदों के लिए जीने और मरने का सवाल है। क्योंकि कुलधारा में रहने वाले लोग कुलधारा को अपनी पहचान मानते हैं और जब किसी की पहचान को खतरा होता है तो उसे तकलीफ होती है, उसके वजूद पर सवाल उठते हैं और वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। आजकल कुलधारा में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसलमेर के पश्चिम में 18 किलोमीटर दूर है कुलधारा नाम का शताब्दियों पुराना एक गांव। दो शताब्दियों से है यहां मरघट सा सन्नाटा। कुलधारा, यहां रात तो दूर, दिन में भी कोई शख्स अकेला इन खंडरों में दाखिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुलधारा, जिसे दुनिया एक हॉन्टेड विलेज का दर्जा देती है, ये खंडर दो शताब्दियों की कहानी समेटे हैं और जर्जर होते हुए भी यहां के लोगों की पहचान है। आज कुलधारा का जिक्र क्यों, ये बताने से पहले आपको उस मान्यता के बारे में बता देते हैं जो कुलधारा से जुड़ी है। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा और जैसलमेर के चारों ओर 120 किलोमीटर के दायरे में फैले त्रासी गांव को करीब 500 सालों तक आबाद किया था और 1825 में गांव छोड़ते वक्त शाप दिया था कि इस जगह जो भी बसेगा उसका सर्वनाश होगा। पालीवालों के 5000 परिवारों ने उस वक्त के जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर गाँव छोड़ा था। चुड़ियासी गांव जाति के पालेवाल ब्राह्मण लोग थे जी, पालेवाल ब्राह्मण। राजा महाराजा का टाइम था, उस समय में अभी के जैसा समय नहीं था, सच्चा समय था, तो अपनी अपनी गोती के सच्चे धर्म रहते, ऐसे समय भी सच्चा था जी। 10-12 साल की मैया किन्याज मंदिर के अंदर सालम जी ने देख लिया यहाँ पे कुलधर में, तो बोला इस लड़की से हम शादी करेंगे। तो पालेवाला ब्राह्मणों को जी बहुत बुरा लगा। पालेवाला ब्राह्मणों ने बोला, देख भैया सालम जी, तू बड़ा हो गया तो क्या हुआ, पीछे तेरा गोत्र सब मुझे मालूम है, तू राजपूत नहीं है। हमारा धर्म सबसे अलग है, हम पालेवाल ब्राह्मण हैं, हमारी बच्ची नहीं दे जाएगा तेरे को। तो उसके पास पावर ज़्यादा थी जी, उसने हट पकड़ लिया कि आप खुशी से दोगे तब भी ठीक है, नहीं तो यही मैया शादी लायक होगा तब हम आएंगे, उठा के जाएंगे, शादी इसी लड़की से करेंगे। उसी समय के अंदर ये बाइकला गाड़ियाँ कोई नहीं थी, अमीर के गरीब के घर में चढ़वा के लिए ऊँट घोड़े लेते थे, अपने खेत से घर से गवर्नमेंट सैंपल बताइए, रथ लकड़ी की गाड़ी पड़ी है गैराज के अंदर, गाड़ियाँ वो थी जी। एक अच्छा लड़का ताड़ के घोड़े पे रवाना किया है, ये अपना तारीख है, ये है अपना बार, अपने चुड़िया सी भाई में ऐलान करके आओ कि सालम जी ने ये अट पकड़ रखे हैं। एक गांव से एक मेंबर बुजुर्ग भाई, एक गांव से एक चुड़िया सी भाई आओ, अपना मीटिंग यहाँ बनाओ, पादेवाल ब्राह्मण क्या था वो। सालिम सिंह जैसलमेर के दो राजाओं मूल राज और गज सिंह के वक्त दीवान था।
और उसने पाली वालों के करों और लगान को इतना बढ़ा दिया था कि उनका व्यापार और खेती करना मुश्किल हो गया था। ब्रिटिश राज्य के राजस्थान में राजनीतिक नुमाइंदे जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में पालीवालों के कुलधरा छोड़ने के बारे में लिखा है। सालिम सिंह के अत्याचारों की वजह से पालीवाल स्वनिर्वासन में हैं और बैंकर्स अपनी मेहनत के मुनाफे के साथ घर लौटने को डरते हैं। मैं चाहता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य सालिम सिंह के कुशासन की वजह से जैसलमेर रियासत से अपनी संधि तोड़े। सालिम सिंह ने साजिश के तहत पालीवालों की संपत्ति को कम किया। टॉड जिस संधि की बात अपनी किताब में कर रहे थे वो 1818 की संधि थी, जिसके तहत ब्रिटिश सेना जैसलमेर को बाहरी आक्रमणों से महफूज रखेगी। पालीवाल ब्राह्मण उस वक्त की सिंध रियासत जो अब पाकिस्तान में है और दूसरे देशों से पुराने सिल्क रूट से अनाज, अफीम, नील, हाथी दांत के बने आभूषण और सूखे मेवों का ऊंटों के कारवां पर व्यापार करते थे। इसके अलावा वे एक कुशल किसान और पशुपालक भी थे, लिहाजा उनके पास अकूत दौलत थी और कुलधरा के खंडहर पालीवालों की दौलत का असर दिखाते हैं। इसी सिलसिले में हमने बात की जैसलमेर पर दो किताबें लिखने वाले स्थानीय इतिहासकार नंद किशोर शर्मा से। राजस्थान के कण कण में इतिहास बसा है और जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव जो पालीवालों का परित्यक्त गांव है वहां पर इतिहास की कई यादें अभी भी ताजा है। हाल ही में कुलधरा में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। जो जैसलमेर के इतिहासकार है, चाहे पर्यटन व्यवसायी है, उस कार्य से काफ़ी लोग परेशान हैं और दुखी है। हमारे साथ है जैसलमेर के इतिहासविद नंद किशोर जी शर्मा। आइए बात करते हैं कुलधरा के बारे में। क्या है कुलधरा इतिहास, संक्षिप्त में बताएं। कुलधरा राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे भारत की एक धरोहर है, क्योंकि यह 12वीं शताब्दी से और आज तक का इतिहास बताने वाला एक ऐसा नगर है। क्यों उजड़ा, क्या उसकी संस्कृति थी, कैसे लोग रहते थे, किस तरीके की उनकी जीवन शैली थी, किस तरीके के मकान और स्थापत्य कले बने हुए थे, किस तरह कुएं, पावड़ियाँ, शमशान भूमि बनी हुई थी, कैसे मंदिर थे और उनको कैसे रखना चाहिए ताकि लोग जो देश विदेश के लोग बाहर से आते हैं वो भारतीय मध्यकालीन इतिहास को देखना चाहते हैं, वो उसके सांस्कृतिक यथावत स्वरूप को देखना चाहते हैं, वो खंडर क्यों हुआ, उसके पीछे बड़े ऐतिहासिक तथ्य हैं जो लोग सीखना चाहते हैं। उनके सामने प्रश्न होता है कि इतने बड़े उजाड़ जो परिवारों के 84 गांव में, जिनके अंदर कुलधरा सर्वश्रेष्ठ नगर है, जिसके अंदर कहा गया है कुलधर मंदर मस्जिद कुलधर कुलरी साहेबी, कुलधर में जमी दीठ कुलधर में दीठी नहीं, यानी संसार में जितनी भूमि है उस भूमि में सर्वश्रेष्ठ भूमि इस कुलधरा की है, जहाँ पर बड़े बड़े भवन है, बड़े तालाब है, मंदिर है, सरोवर है, यानी एक समृद्धिशाली नगर का यहाँ के लोक कवियों ने उसका वर्णन किया है। वो इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है जो हर जैसलमेर वासी, तो क्या हर भारतीय वासी उस पर गर्व करता है। नंद किशोर शर्मा जैसलमेर में दो सांस्कृतिक संग्रहालय चलाते हैं और उन्होंने अपनी किताब जैसलमेर द गोल्डन सिटी में कुलधरा का पूरा जिक्र किया है। राजस्थान पुरातत्व विभाग के दस्तावेज भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को जैसलमेर रियासत से मजबूर होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए 1825 में अपनी आबाद गांव को एक दिन में ही छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पालीवाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बस गए। वक्त बदला तो पालीवालों के छोड़े गए कुछ वीरान गांव फिर आबाद हो गए, लेकिन कुलधरा आज भी वीरान है। और यह वीरानी ही कुलधरा की पहचान भी है, जिसे बचाने के लिए एक गैर सरकारी संस्थान जैसलमेर विकास समिति, जिसके अध्यक्ष खुद जैसलमेर के कलेक्टर हैं, और राजस्थान पुरातत्व विभाग मिलकर काम करते हैं। कुलधरा में अभी क्या क्या बाकी है, 600 से अधिक घरों के अवशेष हैं,
एक मंदिर, एक दर्जन कुएं और एक बावली है। चार तालाब और आधा दर्जन छतरियां हैं। घरों के अंदर के हिस्सों में तहखाने हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि इस गांव में आत्माएं आती हैं। खैर, कुलधरा को सहेजने और यहां की इमारतों के नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपए दिए पिछले साल और कुछ निजी और पुरातन सभ्यताओं के जानकार कंपनियों से एमओयू किए थे। कुल 10 करोड़ रुपए में जिंदल ग्रुप की कंपनी राज वेस्ट लिमिटेड को कुलधरा के कंजर्वेशन और रेस्टोर का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन इस कंपनी के काम से स्थानीय लोग नाखुश हैं। जैसलमेर से मनीष व्यास, इंडिया न्यूज, राजस्थान। चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर।